आज हम करने जा रहे हैं अपने दूसरे दिन की शुरुआत अपने असम ट्रिप की। और आज जो है हम लोग शिलोंग से जा रहे हैं चेरापुंजी। तो आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में हम आपको चेरापुंजी घुमाएंगे। चेरापुंजी में कौन कौन सी जगह है घूमने वाली, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं घूमने वाले, वो हम आपको बताएंगे। और शिलोंग से आप कैसे चेरापुंजी पहुंच सकते हैं, रास्ता कैसा है, वो सब भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए, आगे आपको चेरापुंजी की जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो देखने को मिलेगी। और अगर हुआ तो चेरापुंजी में जो बारिश होती है और जो बादल दिखते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए। शिलोंग से चेरापुंजी की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको एक तिल बगान देखने को मिलेगा। पीछे आप जो देख रहे हैं हमारा, ये एक तिल बगान है जो आपको रास्ते में, जब आप शिलोंग से चेरापुंजी जाते हैं तो आपको रास्ते में पड़ेगा। अगर आपको कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करनी है तो आप रास्ते में रुक के करा सकते हैं। यहाँ पे एंट्री फीस है, बहुत कम एंट्री फीस है, दैट इज 10 रुपीज पर पर्सन, उतना ही एंट्री फीस है। तो आप जो है यहाँ पे रुके बाकी कर सकते हैं, फोटो वगैरह क्लिक करना है। ये जो आप पूरा चाय का बगान देख रहे हैं, ये चाय का बगान है मेघ टी का। अगर कभी आपने कभी नाम सुना हो इस मेघ टी का, तो आप समझ जाइए कि अगर आप मेघ टी पी रहे हैं तो वो टी आपको इन बगानों से मिल रही है। और यहाँ पे फोटोज भी काफी अच्छी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे जो लाइटनिंग है ना, लाइट की वजह से यहाँ पे फोटो भी बहुत अच्छी आ रही है। और हवा, हवा तो एक नंबर, एक मकदम मस्त चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे रुक के फोटोज अच्छी अच्छी क्लिक कर सकते हैं। ये चेरापुंजी, ये देखिए सोडा लिखा हुआ है ना, ये पहला व्यू पॉइंट है। तो जैसे ही आप चेरापुंजी की तरफ एंटर करने वाले होंगे, आपको ये एकदम शानदार व्यू देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये ब्रिज है जिसको आप पार करके अंदर एंटर करते हैं चेरापुंजी में, जिसे सोहराह मार्केट बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा, एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ पे, आप यहाँ पे रुक के फोटो वगैरह ले सकते हैं। तो साथ ही अगर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करनी है तो ये पीछे में ये है हट, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, मैगी अगर आपको खाना है तो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कर रहे हैं बादलों में एंटर। आपको ये दिख रहा होगा रोड के दोनों साइड से बादल ही बादल हैं, इधर भी और इधर भी। हमारे ड्राइवर अंकल ने डिपल ऑन कर लिया है कि आगे और पीछे कुछ नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर है वाकाबा फॉल, जो भी आपको धुंध की वजह से नहीं दिख रहा है, हम लोगों ने बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं दिखा। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नवकालिका फॉल्स, और वहाँ जाने का रास्ता आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है क्योंकि एक तो धुंध भी है और रोड जो है वो बहुत बदली है, सिंगल रोड है, और इसी रूट पे आने जाने वाली गाड़ियों को जाना है। 20 के स्पीड से गाड़ी चल रहा है और अभी 20 के स्पीड से गाड़ी चल रही है, आप थोड़ा चला भी नहीं सकते इस मौसम में, इस सिचुएशन में। आप लोग अभी तक तो देख ही रहे होंगे कि किस तरह का रास्ता है नोहखलकाई वाटरफॉल का। और जैसा ड्राइवर भैया ने बताया कि चेरापुंजी का ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है, आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी 50 रुपीज पर पर्सन। तो हमने भी दिए हैं 50 रुपीज पर कौन आए ना, दो टिकट, एक टिकट मिली है, दो लोग लिखे हैं इस पे। और अगर आपने शूटिंग करनी है, कोई वीडियो शूटिंग वगैरह करनी है, तो उसके चार्जेस अलग से हैं जो कि है 3000, बट आई गेस दैट इज़ फॉर कमर्शियल शूटिंग। जैसे एड वैड टाइप अगर आप लोगों ने बनाना है तो उसके लिए फिर 3000 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं फाइनली, रास्ता तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्या खतरनाक रास्ता था। अब देखते हैं कि वाटरफॉल हमको दिखता है या नहीं दिखता है, क्योंकि पूरा यहाँ पे बादल है, बादल छाया हुआ है। सो डोंट नो कि कितना दिखेगा या कितना नहीं दिखेगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं वाटरफॉल को क्या हो गया। ना मैं करके यहाँ पे आए, कुछ दिख भी नहीं रहा, आप लोगों को भी मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगी, कोशिश तो करती हूँ लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बहुत बादल है। आज कितने परसेंट चांसेस थे बारिश में? 99% चांसेस है कि नहीं दिखेगा मुझे।
हटेंगे ही नहीं बादल। कि आप लोग जब आए यहाँ पे तो एक बार मौसम का पता करके आए, वरना हम लोगों की तरह आपको भी डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। आप लोगों को भी जो है वो दिखेगा नहीं कुछ भी। देखिए छोटा सा कैसा मूव बना हुआ है। अब यहाँ पे ज्यादा रुकने का कुछ फायदा है नहीं, बादल ही बादल है चारों तरफ। वाटरफॉल हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो वाटरफॉल के बारे में हम आपको कुछ बता नहीं पाएंगे कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन आप लोग जो है आवाज सुन सकते हैं। अगर आप लोग लकी नहीं तो आपको ये फॉल कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम लोग जा रहे हैं मौसमाई केव की तरफ। अंकल बोल रहे हैं कि एक बार अच्छे से बारिश हो जाएगी तो ये बादल सब सारे हट जाएंगे और बहुत अच्छा से हम लोगों को व्यू दिखेगा। पता नहीं कब होगी बारिश। आपको अंदर केव्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी जो है बाहर कुछ खाने के लिए बना रखा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मौसमाई केव की तरफ। तो ये रास्ता है पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद आप लोग ये रास्ता लेके जा सकते हैं। यहाँ पे अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, तो अगर आपने कुछ खाना वाना हो तो भी आप लोग कर सकते हैं। ये एंट्रेंस है। और ये मैप है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप लोग जो हैं यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो पहन के फोटोज क्लिक करा सकते हैं। तो हम लोग वो चेकआउट करने आए हैं क्या चार्जेस हैं। इसके साइज का नहीं होगा। तो अब हम आफ्टर क्लिकिंग सम पिक्स इंटरनेशनल अटायर अब हम लोग जो जा रहे हैं केव की तरफ। जब आप लोग केव में जाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक बात का कि वहाँ पे बहुत फिसलन होगी, बहुत ज़्यादा पानी होगा। तो अगर आप लोगों ने शूज़ वगैरह ले रखे हैं तो वो गीले होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप लोगों को ये एहतियात बरतनी होगी। तो ये केव्स हैं। पूरा अंधेरा है अंदर, देख सकते हैं आप। थोड़ी सी रोशनी करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही डरावना सा है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा इस तरीके का है। चलिए बाहर चलते हैं। तो ये केव की एक लोग जो हैं इतनी ऊपर वाली केव्स में नहीं आ रहे हैं, नीचे जो केव्स हैं लोग उसी में वहीं तक जाते हैं और वहीं से फिर वो वापस हो जाते हैं। ये केव है, यहाँ पे थोड़ी लाइटनिंग है तो आप लोग देख सकते हैं। आगे देखो बोला आगे जाओ। तो मौसमाई केव में दो केव्स हैं, एक आपके राइट की तरफ पड़ेगा एक लेफ्ट की तरफ पड़ेगा। तो मैं राइट वाले केव में गया था, एंट्रेंस पे कोई था नहीं और बहुत अंधेरा था तो मैंने एंट्रेंस से एंटर नहीं किया। मैंने एग्जिट से ही एंटर किया था और देखा था कि अंदर केव कैसा है।
तो मुझे इतना शौक नहीं है केव्स का, तो मैं अंदर तक गया नहीं। आप लोगों को अगर अंदर तक एक्सप्लोर करना है तो आप एंट्रेंस से एक्सप्लोर करके, जो वीडियो में आप देख रहे हैं वो एग्जिट है, वहाँ से आप लोग बाहर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सो अभी हम लोग आए हुए हैं सेवन सिस्टर्स फॉल देखने। सेवन सिस्टर फॉल तो दिखा नहीं, बट इसके सामने हम एक फॉल जैसा ये कुछ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। एक जगह ये भी है, यहाँ से भी आप लोग जो है नीचे जा सकते हैं पिक्स वगैरह क्लिक करने के लिए। चलिए नीचे लेके चलते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे आप नीचे जाके भी फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हैं। तो अगर आपको पिक्स वगैरह क्लिक करनी है तो आप यहाँ पे आके पिक्स क्लिक कर सकते हैं, बट आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज फिसलन हो सकती है, जगह जगह पे खड्डे हैं तो खड्डे में तैर भी जा सकते हैं। जो अभी हमने आपको दिखाया है झरना, उसके अपोजिट में एक छक्की बना रखी है, यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप लकी रहे तो हमारी तरह रहे तो फिर आपको ये देखने को मिलेगा। ये हम लोग इको पार्क में आ चुके हैं, और इको पार्क में भी आपकी जो पार्किंग है, पार्किंग के चार्जेस हैं वो 30 रुपीज हैं फॉर फोर व्हीलर, एंड टू व्हीलर है तो 10 रुपीज है, और फोर व्हीलर से बड़ी गाड़ियाँ लाइक ट्रैवलर एंड ऑल तो वो है आपकी 50 रुपीज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि शॉप्स वगैरह लगी हैं, ये पार्किंग है। यहाँ पे भी आपको जो है एंट्री फीस देनी पड़ेगी। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि जो मौसम है वो कैसा है, पूरा फॉग फॉग है, तो मुझे नहीं पता कि अंदर जाके क्या देखने को मिलेगा और देख भी पाएंगे या नहीं। पर जैसे ही आप इको पार्क के अंदर एंटर करते हैं, आपको लेफ्ट इस साइड में भी कुछ शॉप्स हैं और इधर में भी कुछ शॉप्स हैं, ये आपको देखने को मिल जाती हैं। आगे चलते हैं इको पार्क में क्या है देखने के लिए। ये पानी आ रहा है तो नदी पर होता हुआ, उसी की आवाज आपको सुनाई देगी। आपको अगर अभी तो घूमना है तो अकेले जाना सेफ नहीं है, मैं ये कहूँगा, बट यहाँ कुछ स्टेयर्स दिख रही हैं, आप ऊपर जा सकते हैं अगर मौसम साफ रहता है, क्लियर रहता है। तो अभी क्योंकि धुंध है तो मैं इसको सेफ नहीं मानता हूँ अपने लिहाज से उस जगह पे जाना। ये बच्चों के लिए कुछ झूले हैं, अगर आपको झूले झूलने हैं तो यहाँ झूल सकते हैं। अच्छा लग रहा है, दिल्ली में ऐसा मौसम बहुत कम देखने को मिलता है, तो जैसा भी है हम लोग तो इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग मजे कर रहे हैं। ये आवाज सुन सकते हैं आप लोग, ये भी एक फॉल है। एक्चुअली वही पानी जो आप अभी आपने जो पीछे देखा, वही पानी जो है यहाँ से फॉल बन के निकल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो अब आप देख पा रहे होंगे ये जो झरना है कैसे चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से ये नदी जा रही है, यहाँ पे आप जाके फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं, तो ये सब लोग करा रहे हैं। जगह अच्छी है, घूमने में आप लोगों को मजा आएगा जो मुझे अभी तक फील हुआ है तो। लेकिन क्योंकि मौसम साफ नहीं है इसलिए आप पिक्स वगैरह जो है अच्छी क्लिक नहीं कर पाएंगे।
जब हम वापस हो रहे हैं तब जो है धुंध हटी है। धुंध हटने के बाद आप देख सकते हैं कि चेरापुंजी से किस तरीके से नजर आता है। ये इसके झरनों की खूबसूरती है जो हम लोग आपको इस ब्लॉग में नहीं दिखा पाए। अब वो चीज हमारे हाथ में होती भी नहीं, कुछ चीजें अपने हाथ में होती भी नहीं है। शायद हम लोगों ने दिन गलत चुना चेरापुंजी आने के लिए, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम एक बार और जरूर आएंगे और हम आपको ब्लॉग में वो सारी चीजें दिखाएंगे जो आपको इस ब्लॉग में हम नहीं दिखा पा रहे। लंच करने के लिए इस होटल में आए हैं, दैट इज ऑरेंज रूट्स करके, बहुत अच्छा होटल है, इसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज भी हैं। तो पहले यहाँ पे जब आप आएंगे तो अपने राइट में आप देखेंगे तो ये मेन्यू कार्ड लगा है, एंड देन आपको यहाँ से टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद आपको हो सकता है कि कुछ करना पड़े, कुछ वेटिंग, और फिर आपको ये नीचे रेस्टोरेंट है वॉशरूम। तो दिस इज द थाली वी ऑर्डर्ड, स्पेशल थाली। सो फाइनली जो है बारिश हुई है और आप देख सकते हैं फॉग हट गया है। तो हम लोगों ने जो पहला वाटरफॉल नहीं देखा था, वाइट का वाटरफॉल क्या था, वाकाबा, वाकाबा वाटरफॉल, तो हम वो देखने जा रहे हैं। सो वी आर लकी इनफ कि हम लोग एटलीस्ट एक वाटरफॉल तो चेरापुंजी में देख पाएंगे। सो ये है आपका वाकाबा वाटरफॉल। देखो तो अब हमारी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है और डायरेक्ट जाके रुकेगी गुवाहाटी में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल पाए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, रूट्स एंड डेस्टिनेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।